का काम है, ये मुख्यमंत्री के इशारे पर जिला प्रशासन यहाँ काम कर। जिला प्रशासन के निर्णय के खिलाफ गए गोड्डा सांसद, हाई कोर्ट में दायर की जनहित याचिका। देवघर में हो रहे शिव बारात के आयोजन को लेकर सांसद निशिकांत दुबे और जिला प्रशासन आमने सामने है। जिला प्रशासन के आदेश के खिलाफ सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड हाई कोर्ट में पीआईएल जनहित याचिका दायर की कर दी है। दिल्ली से देवघर पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे ने प्रेस वार्ता कर साफ कहा कि हेमंत सरकार उन्हें सहयोग करने वाले देवघर जिला प्रशासन के तना साई रवैये खिलाफ वो हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। ये शिव की नगरी है और यहाँ शिव भक्तों को पूजा करने या शिव बारात में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब सीएम की राजनीति यात्रा के लिए किसी तरह की परमिशन नहीं ली गई तो शिव की नगरी में शिव बारात के लिए हर चीज की परमिशन जिला प्रशासन लेने को क्यों कह रही है। वो भी इस तरह की परमिशन की शिव बारात में कितनी गाड़ियां शामिल होगी, जो आयोजन समिति कैसे बता पाएगी कि आखिर कौन कितने वाहनों के साथ शामिल होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की इस तानाशाही और हिंदू विरोधी मानसिकता जिसमें देवघर जिला प्रशासन साथ दे रहा है को लेकर आज शिव बारात आयोजन समिति के साथ बैठक हुई और बैठक में निर्णय लिया गया कि अब जिला प्रशासन के साथ किसी तरह का सहयोग आयोजन समिति नहीं करेगी। अब जो उच्च न्यायालय का फैसला होगा कमेटी उसे पालन करेगी। सांसद ने बताया कि शिव बारात कमेटी ने जो रूट तय किया है वह रूट चौड़ा है, उसमें दुर्घटना की कम संभावना है। पहले छोटा रूट इसलिए था क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग आ रहा था, अब सत्संग में RO भी बन चुका है जिसमें भीड़ को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, न ही जगह जगह बारात में जाम लगने की स्थिति पैदा होगी। वही प्रशासन द्वारा धारा 144 लगने पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे अनुमंडल क्षेत्र में अगर धारा 144 लागू रहेगी तो महाशिवरात्रि पर यहाँ आने वाले श्रद्धालु बाबा की पूजा अर्चना कैसे कर पाएंगे, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या तो हजारों में होगी। सांसद ने कहा कि यह आदेश सिर्फ शिव बारात रोकने के लिए नहीं है बल्कि शिव भक्तों को बाबा की पूजा करने से रोकने के लिए भी है। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर ज्यादा पेच शिव बारात आयोजन को लेकर जिला प्रशासन करेगा तो वह आमरण अनशन भी कर सकते हैं। शिव बारात को लेकर राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है, न कि इस तरह की मानसिकता रखने की। झारखंड सरकार का हिंदू विरोधी मानसिकता है वो देवघर में दिखाई दे रहा है। देवघर में मुख्यमंत्री शिव बारात नहीं निकालने देना चाह रहे हैं जबकि ये शिव की नगरी है। देवघर यदि शिव हैं तभी देवघर है, और इसके खिलाफ जो है मैंने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है और कल माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा, उम्मीद है कि कुछ आना चाहिए, उसके हिसाब से फिर हम आगे कैसे शिव बारात निकलेगा उसके बारे में शिव बारात कमेटी के साथ बातचीत करके हम निर्णय लें। जिस तरह का धारा 144 लगाया गया है इस पर क्या बोलेंगे? ये हिंदू विरोधी मानसिकता है ना, यदि देवघर में शिव बारात नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? शिव की नगरी है, यहाँ तो कण कण में शिव है, और इस शिव बारात ही नहीं निकलेगा जो कि हजारों साल की परंपरा है। मैं तो कोट किया कि विलियम्स ने जो है अपने किताब में लिखा है, शिव बारात का जिक्र किया है, कास्टेयर ने अपने किताब में शिव बारात का जिक्र किया है, और ये किसी ने 1854 को कोट किया है, किसी ने 1894 को कोट किया, तो तब से चल रहा है। ये पहला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ की कांवड़ यात्रा का जिक्र है कि भगवान राम जो है वो कांवड़ लेके आए थे, और जहाँ शिव बारात का जिक्र है। और ये दोनों परंपरा के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करता है, आपको पता है कि कांवड़ यात्रा जब बंद हुई तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया, और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मैंने जो है सावन में उस कोरोना काल में भी जो है इस मंदिर को खुलवाया था। तो मैं फिर से जो है, जब सर्वोच्च न्यायालय ये निर्णय दे सकता है कि कांवड़ यात्रा चलनी चाहिए, उसी तरह से मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा वो उचित होगा। नए रूट का क्या है, पुराने रूट और नए रूट में फर्क? पुराना रूट ये है कि किसी एक ही फब्बारा चौक पर उसको 3 बार घूमना है, कंजेस्टेड रोड में ले जाना है जिससे कम से कम लोग देख पाए। नया रूट वो है कि चूंकि वो रेलवे के क्रॉसिंग के कारण जो है हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे, अब फ्लाईओवर बन गया है तो हम उसको चौड़े रोड में ले जाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना चाहते हैं। जब हमको नहीं प्रॉब्लम, कलाकारों को नहीं प्रॉब्लम, यहाँ के समाज को नहीं प्रॉब्लम, तो प्रशासन को क्या प्रॉब्लम? प्रशासन बताएगा ना कि ये प्रॉब्लम है हमारे साथ, किस बात का प्रॉब्लम? तो प्रशासन को केवल जो है इस यात्रा को कैसे कर्टेल करना है, रोकना है, और जिस तरह के रोज रोज उसने नोटिफिकेशन जारी किए हैं, आज तक ऐसा नोटिफिकेशन देवघर के इतिहास में नहीं लागू हुआ, इसका काम है, ये मुख्यमंत्री के इशारे पर जिला प्रशासन यहाँ काम कर रहा है। अब देखते हैं कल माननीय न्यायालय का यदि फैसला आ जाएगा तो फिर
शायद उसकी आवश्यकता नहीं पड़े। नहीं तो ये हिंदू विरोधी जो सरकार है हेमंत सोरेन की, इसके खिलाफ हम आमरण अनशन तक भी जा सकते हैं।